क्या आपको पता है एंशिएंट रोम में औरतें अपने बालों को कलर कैसे करती थी? ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निहाना गुड लाइफ। मेरा नाम है भावना वर्मा। जैसे कि आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपको बालों के कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और जो आपको नहीं पता होंगे। मैं इस वीडियो से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं आपको बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँगी, और ये फैक्ट्स जानने आपको ज़रूरी भी हैं जिससे आपको पता चल जाए कि किस तरह से बालों की हिस्ट्री रही है और पहले और आज किस तरह से बालों को रखा जाता है। तो शुरू करते हैं हम ये वीडियो। दुनिया में ज़्यादातर लोगों के बालों का कलर ब्लैक होता है, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, यानी कि सबसे कॉमन कलर ब्लैक है। और सबसे कम कलर जो पाया जाता है वो है रेड कलर। हमारे इन बालों की भी एज होती है और वो है 5 साल। हमारी स्कैल्प की स्किन की एक लेयर को हॉर्नी लेयर भी कहते हैं, यानी कि सींग की परत, क्योंकि जानवर के सींग की तरह ही उसके सेल्स भी यानी कि कोशिकाएं काफ़ी टफ यानी सख्त होती हैं। अगर एक हेल्दी हेयर को गीला होने पर इलास्टिक की तरह खींचा जाए तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ से 30% तक बढ़ सकता है। तो है ना ही कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर बालों को कलर करने का ग्राफ देखा जाए तो 1950 तक सिर्फ 7% ही औरतें थीं जो अपने बालों को कलर करती थी, और 2015 तक ये 75% हो गया। तो आप देख सकते हैं इतने सालों में कितना ज़्यादा ग्राफ बढ़ा है। 80% अमेरिकन्स दिन में 2 बार बाल धोते हैं। आपको क्या लगता है कि हेयर वॉश कितना करना चाहिए या कितने दिन में करना चाहिए? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आपको पता है ग्रे हेयर यानी जिन्हें हम आम भाषा में सफ़ेद बाल बोलते हैं, उनका साइंटिफिक नेम है कैनेटीज़। अब एक ऐसा वियर्ड लेकिन वंडरफुल फैक्ट जिसको जानने के लिए आप अभी यहाँ तक आए हैं, तो वो है एंशिएंट रोम में औरतें अपने बालों को कलर करने के लिए पिजन पूप यानी कि कबूतर की पॉटी का यूज़ करती थी। अब पता नहीं उसका कलर कैसा होता होगा, आई थिंक ब्लॉन्ड, बट मुझे ये फैक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने इसे नंबर 1 पर रखा है। और आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं जिससे आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और शेयर करें सबके साथ। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ऑल बटन पर क्लिक कर दें, जिससे जब भी कोई मेरी नई वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले और सही समय पर पहुंचे। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह आप मुस्कुराते रहिए और हेल्दी रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ टेक केयर। वियर्ड बट वन बाल।